हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी एकदम मार्केट के जैसी बटर स्कॉच आइसक्रीम। फ्रेंड्स, ये बहुत ही कम चीज़ों से और बहुत ही जल्दी बनके तैयार हो जाती है। अगर आपको घर में बैठे बैठे बटर स्कॉच की आइसक्रीम की याद आ रही है मार्केट वाले की, तो आप घर पे ही बहुत ही आसान तरीके से बना सकते हैं बहुत ही कम चीज़ों से। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो उसके लिए हम रखेंगे सबसे पहले गैस ऑन करके कढ़ाई, और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच के करीब पानी, जिससे कि हम कढ़ाई को थोड़ा सा गीला करेंगे। इससे क्या होता है कि इसमें दूध चिपकता नहीं है, तो इस तरह से हम इसको फैला देते हैं। ये मैं यहाँ पर नॉनस्टिक में इसको बना रही हूँ। अगर आप लोहे या सिल्वर या स्टील में बना रहे हैं तो उसमें दूध थोड़ा सा चिपकता है, तो वो चिपकेगा नहीं, तो मैंने इस वजह से आपको बताया है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ 600 ml के करीब दूध। ये मेरा रात का दूध है, इसमें काफ़ी मलाई भी है ऊपर, मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था, तो ये बहुत ज़्यादा थिक हो गया है, उसमें थोड़ी सी मलाई भी आ गई है। जब भी आप कोई भी आइसक्रीम बना रहे हैं ना, थोड़ा सा दूध थिक ही लें, तभी ज़्यादा अच्छी बनती है आइसक्रीम। तो अब हम क्या करेंगे, इस तरह से हम दूध को थोड़ा थोड़ा सा हिलाते रहेंगे जब तक कि इसमें एक अच्छे से बॉयल ना आ जाए, यानी कि अच्छे से उबाल ना आ जाए। तो गैस का जो फ्लेम है उसको हम हाई कर देंगे, हाई फ्लेम पर हमें इसको इस तरह से थोड़ा सा चलाते हुए पकाना है दूध को। तो अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर। मैं यहाँ पर आइसक्रीम को कस्टर्ड फ्लेवर में बना रही हूँ। अगर आपको फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप इसकी जगह 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। इससे एक तो टेस्ट बढ़ता है और थोड़ी सी इसमें थिकनेस भी आ जाती है, उससे कि जो हमारी आइसक्रीम है ना एकदम क्रीमी टेक्सचर में बहुत ही बढ़िया बनेगी। तो इसमें हम थोड़ा सा दूध डालेंगे, तो हमें इसमें गर्म दूध नहीं डाला है, थोड़ा सा ठंडा ही दूध हम इसमें डाल देंगे। 6 से 7 चम्मच डाल देते हैं जिससे कि अच्छे से घुल जाएगा। तो इस तरह से मैंने इसमें 8 से 10 चम्मच के करीब इसमें दूध डाल दिया है। इस तरह से हम थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे, इसमें कोई लम्स नहीं होना चाहिए, इस तरह से अच्छे से मिक्स कर लें। एक और इस तरह से आप बटर स्कॉच आइसक्रीम इस तरह से वनीला फ्लेवर में बना के देखिए, बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है। अगर आप बिल्कुल सिंपल बनाना चाहते हैं ना, तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर डाल सकते हैं 2 चम्मच। और जैसे इसमें एक इस तरह का उबाल आ जाएगा, हमने जो अभी कस्टर्ड पाउडर का पेस्ट बनाया है उसको हम इस तरह से थोड़ा सा पहले हिला देंगे, क्योंकि ये जल्दी से बैठ जाता है। अब हम इसमें से थोड़ा थोड़ा करके इस तरह से डालते जाएंगे, और इस तरह से स्पैचुला से हम इसको मिक्स करते जाएंगे। इससे क्या होगा कि इसमें कोई भी लम्स नहीं पड़ेगा। अगर थोड़े बहुत लम्स पड़ भी जाते हैं तो कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमें इसको बाद में थोड़ा सा ब्लेंड करना है। तो जब हम इसको ब्लेंड करेंगे तो सारे जो थक्के होंगे ना इसके, वो अच्छे से मिक्स हो जाएंगे। तो इस तरह से मैंने सारे कस्टर्ड के पेस्ट को डाल दिया है। जैसे ही मैंने इसमें जो कस्टर्ड का पेस्ट डाला है, आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी थिकनेस आती जा रही है और कलर भी चेंज हो गया है, वो बहुत ही बढ़िया खुशबू भी आ रही है। कस्टर्ड फ्लेवर से जब आप बटर स्कॉच आइसक्रीम बनाएगा ना, तो बहुत ही बढ़िया फ्लेवर की बनेगी, कोई बता ही नहीं पाएगा कि ये आपने घर पर बनाई है, बिल्कुल मार्केट जैसा टेस्ट आता है फ्रेंड्स। तो इस तरह से अब हम इसको पका लेंगे 3 से 4 मिनट के लिए चलाते हुए, यानी कि बिल्कुल अच्छे से हम इसको थोड़ा सा क्रीमी कंसिस्टेंसी में कर लेंगे। तो अब मैं यहाँ पर डालूंगी चीनी। तो मैंने यहाँ पर ये 3 बड़े चम्मच चीनी ले लिए हैं। चीनी हम यहाँ पर कम ही डालेंगे, क्योंकि हम इसमें जो कैरमल क्रंच बनाएंगे ना, वो भी मीठा होता है, तो उसी टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीनी इसमें कम ज़्यादा ले सकते हैं। बट ध्यान रखें, आइसक्रीम जो है थोड़ी सी मीठी ही अच्छी लगती है, क्योंकि ठंडी होने के बाद वो थोड़ी फीकी फीकी रहेगी, तो आप जितना मीठा खाते हैं उससे थोड़ा सा ज़्यादा मीठा रखें, तभी वो अच्छे से मीठी लगेगी। तो अच्छे से हम चीनी को इसमें मिक्स कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको 3 से 4 मिनट पका लिया है। ये देखिए, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ, कितनी थिक हो गई है, यानी कि बिल्कुल क्रीमी कंसिस्टेंसी जैसी थिक हो गई है। अगर आपको इस तरह से थिक ना हो तो आप इसमें थोड़ा सा वनीला जो कस्टर्ड है वो थोड़ा सा और डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा थिक हो गई है तो आप थोड़ा सा दूध भी ऐड कर सकते हैं, बट मैंने बिल्कुल मेजर के हिसाब से डाला है, तो बिल्कुल भी कम ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी का ये बन गया है। ये देखिए, अब हम गैस को ऑफ़ कर देते हैं, और गैस को ऑफ़ करने के बाद अब हम इसको रख देंगे इसी तरह से ठंडा होने के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम इसको यूज करेंगे। तो अभी हम इसको अच्छे से ठंडा कर लेते हैं। तो मिक्सर को रखे हुए 1/2 घंटा हो चुका है, ये देखिए पूरी तरह से ठंडा हो गया है, और भी आप देख सकते हैं ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा थिक हो गया है। मैंने इसको पंखे के नीचे रख दिया था ना, तो जल्दी से ठंडा हो गया है। अभी हम सिंपल सा जो डिब्बा है जिसमें हम आइसक्रीम को जमाना है ना, बिल्कुल इस तरह का प्लास्टिक का मैंने डब्बा ले लिया है,
कोई भी प्लास्टिक का, स्टील का या सिल्वर का, कोई भी आप जिसमें आइसक्रीम डालना चाहते हैं वो आप ले लीजिए। अब हम इसमें ये सारे बैटर को डाल देते हैं। तो इस तरह से मैंने सारे बैटर को डाल दिया है इसमें। अब हम इसको बंद कर देते हैं डब्बे को। तो इस तरह से मैंने इसको बंद कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको रख देंगे 2 से 3 घंटे के लिए फ्रीजर में, यानी कि हमें इसको यानी कि पूरी तरह से जमाना नहीं है, सेमी सेट करना है, फुल हमें इसको नहीं जमाना है। तो हम मिलते हैं अब आपसे 3 घंटे के बाद, जब तक ये अच्छे से सेट होगी 3 घंटे में, जब तक बीच में हमें बहुत सारा टाइम मिलेगा, तो उसमें हम इसका कैरेमल क्रंच बना के तैयार कर लेंगे। तो अभी हम इसको 3 घंटे के लिए रख देते हैं फ्रीजर में। तो कैरमल क्रंच बनाने के लिए हम रखेंगे गैस ऑन करके एक पैन, और इसमें मैं ले रही हूँ 1 कटोरी चीनी। चीनी अगर यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा भी हो जाएगी ना, तो जो कैरमल क्रंच ज़्यादा बन जाएगा तो वो फिर भी काम आ जाता है, क्योंकि उसको हम कई रेसिपीज में यूज कर सकते हैं। तो चीनी को मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम चीनी को अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसमें ना तो दूध का यूज करना है, ना ही हमें इसमें पानी का यूज करना है, सिर्फ ऐसे ही हम चीनी को अच्छे से मेल्ट करेंगे, तभी तो उसका अच्छे से कैरमल होती है चीनी, तभी तो उसको कैरमल क्रंच बोला जाता है। तो इस तरह से हम इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देंगे, स्लो फ्लेम पे ही पकाना है, नहीं तो जल भी सकती है ये। तो बिल्कुल स्लो फ्लेम पे हम इसको इस तरह से चलाते रहेंगे। जैसे जैसे हम इसको चलाते रहेंगे आप देखेंगे कि ये अपने आप से मेल्ट होने लगेगी। तो मैंने अभी इसको कुछ सेकेंड्स तक ही पकाया है। जैसे जैसे हमारा पैन गर्म होता जाएगा ये अच्छे से इस तरह से मेल्ट होती जाएगी चीनी। ये देखिए ये हल्का हल्का सा गीला जैसा हो रहा है। तो इसी तरह से हम इसको लगातार चलाते रहेंगे, और जैसे जैसे चीनी मेल्ट होती जाएगी वैसे वैसे इसका कलर भी चेंज होता जाएगा। तो चलाना हमें इसको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, चलाना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए 1 मिनट हो चुका है मुझे इसको इस तरह से चलाते हुए, और आप देख सकते हैं जो चीनी है मेल्ट होती जा रही है, थोड़ी बहुत चीनी अभी इसमें रह गई है। तो इस तरह से लगातार चलाते रहेंगे तो वो भी चीनी अच्छे से मेल्ट होती जाएगी। तो साथ ही साथ हम इसमें कुछ चीज़ें भी ऐड करते रहेंगे। तो मैंने यहाँ पर ले लिए हैं थोड़े से काजू, इनको मैं इस तरह से थोड़ा सा चॉप कर लिया है, ये डाल देते हैं। और अब हम इसमें डालेंगे इस तरह का एक बटर का टुकड़ा, अगर बटर नहीं है तो आप इसमें 1 चम्मच घी भी ऐड कर सकते हैं। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें, इस वजह से जो हमारा कैरमल क्रंच है ना एकदम सॉफ्ट जैसा बनता है, बिल्कुल हार्ड नहीं होता है। जैसे एकदम ईंट जैसा हार्ड हो जाता ना, बिल्कुल वैसा ही नहीं बनेगा, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है इसकी वजह से। और इसमें चीनी ज़्यादा अगर जल भी जाती है थोड़ा सा कड़वापन भी नहीं आएगा, इससे एकदम बढ़िया इसके फ्लेवर रहेगा। तो इस तरह से देखिए अच्छे से मिक्स करते जाएंगे, आप देख सकते हैं इसका जो कलर है चेंज होता जा रहा है। तो इसी तरह से हमें इसको कुछ सेकंड्स के लिए ही और पकाना है। तो ये देखिए ये थोड़ा सा थिक जैसा हो गया है, आप इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिए, यानी कि लगभग आपको सिर्फ 1.5 मिनट पकाना है, 1.5 मिनट में आपके इस तरह से कैरमल क्रंच बनके तैयार हो जाएगा। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे, इसको बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, नहीं तो इसका टेस्ट भी ख़राब हो सकता है। तो देखिए बिल्कुल बढ़िया कैरमल क्रंच बन चुका है, अब हम गैस को ऑफ कर देते हैं। तो अब मैंने ले ली है यहाँ पर इस तरह की एक स्टील की प्लेट, इसको मैंने थोड़ा सा घी लगा के ग्रीस कर लिया है अच्छे से। अब हम इस पर अपने कैरमल क्रंच को हम डाल देंगे, इसको जल्दी जल्दी से डालना है क्योंकि ये जमने लगता है जल्दी से ही, तो ये प्रोसेस थोड़ा जल्दी करेंगे हम। अच्छे से इसको थोड़ा सा फैला देते हैं, वो अपने आप से ही फैल जाता है। ये देखिए डालते डालते आप देख सकते हैं थोड़ा सा टाइट जैसा होने लगा है, ये बहुत जल्दी से ये अच्छे से सेट हो जाता है। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको हम सेट होने के लिए करीब आधा घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जब तक ये पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा और बिल्कुल सेट भी हो जाएगा। तो ये देखिए क्रंच अच्छे से ठंडा हो चुका है, मैं आपको दिखा देती हूँ इसको निकाल के। देखिए मैंने जब इसको निकाला था ना बहुत ही आसानी से निकल गया था, देखिए बिल्कुल बढ़िया से हमारा कैरेमल क्रंच निकल गया है। ये देखिए बहुत ज़्यादा क्रंची है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम तोड़ लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने इसको तोड़ लिया है। फ्रेंड्स अगर आप इसको ऐसे ही खाएंगे ना, थोड़ा सा टेस्ट करके देख लीजिए, इतना टेस्टी लगता है, और खासकर बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा क्योंकि बिल्कुल टॉफी जैसा फ्लेवर आता है इसमें खाने में। तो अब हम इसको क्रश करेंगे, आप चाहे तो इस तरह की पॉलिथीन जो आती है उसमें भी इसको क्रश कर सकते हैं, उसमें अच्छे से अंदर तो भर लीजिए
और थोड़ा सा किसी भी भारी सामान से इसको थोड़ा सा प्रेस कर दीजिए, या आप इस तरह का जो क्रशर होता है इसमें भी आप अच्छे से इसको क्रश कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसमें इसको क्रश करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको क्रश कर लिया है, मैं आपको दिखा देती हूँ। यानी कि इस तरह का हमें इसको क्रश करना है, बिल्कुल बारीक इसको पाउडर नहीं बनाना है। इस तरह के जो क्रश हैं जिसमें जो इस तरह से आपको दिख रहे हैं क्रिस्टल, ये रहने चाहिए। ये देखिए यानी कि बहुत ही बढ़िया हमारा ये कैरमल क्रंच बना है। ये देखिए कितना ही अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से हम इसको निकाल लेंगे एक बाउल में, इसमें आपको अच्छे से दिख रहा होगा। ये देखिए बिल्कुल इस तरह का हमें इसको बनाना है। तो इसी तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और इसको अच्छे से क्रश कर लेंगे। तो ये लीजिए, ये हो गया है हमारा कैरमल क्रंच बन के तैयार। आप इस तरह से इसको ज़्यादा बना के रख लें स्टोर करके, और आप इसको एयरटाइट कंटेनर भर के 5 से 6 महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है ये। आप इसको किसी भी आइसक्रीम्स में या फिर किसी भी मिठाई में भी आप इसको यूज कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया क्रंच आता है इसका। तो अभी हम इसको रख देते हैं साइड से, जब तक हम अपनी आइसक्रीम को चेक कर लेते हैं कि वो अच्छे से जमी है कि नहीं। आइसक्रीम को रखे हुए फ्रीजर में 3 घंटे हो चुके हैं, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि आइसक्रीम कितनी अच्छे से जम गई है बिल्कुल। ये देखिए, बट आप देख सकते हैं इसके ऊपर थोड़ी सी मोटी जैसी परत हो गई है, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइट है। ये देखिए साइड से बहुत ज़्यादा टाइट है, बट बीच में भी थोड़ी सी सॉफ्ट है ये। बट अब आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्लफी नहीं है ये, इस टाइम पे बिल्कुल भी फ्लफी जैसी नहीं लग रही है। मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि किस तरह से ये फ्लफी होगी। अब हम लेंगे किस तरह का एक मिक्सी का जार, इसमें हम ये सारी आइसक्रीम को डाल देंगे। तो सारी आइसक्रीम को मैंने इस मिक्सी के जार में डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ब्लेंड करना है हमको। तो अब हम जार का ढक्कन बंद कर देते हैं और अच्छे से हम इसको ब्लेंड कर लेंगे। कम से कम 30 से 40 सेकंड के लिए लगातार हम इसको ब्लेंड करेंगे, जिससे कि बिल्कुल स्मूथ कंसिस्टेंसी का हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने इसको बिल्कुल स्मूथ कंसिस्टेंसी का बना लिया है। ये देखिए बिल्कुल फ्लफी बना है, एकदम क्रीमी कंसिस्टेंसी का हो गया है। बिल्कुल इसी तरह का हमें इसको बनाना है। अब हम फिर से इसको उसी डब्बे में डालेंगे अच्छे से सेट होने के लिए। तो अब हम ले लेंगे फिर से सेम डब्बा। अब हम क्या करेंगे, जो हमने कैरमल क्रंच बनाया ना, उसको पहले हम इस तरह से तले में डाल देते हैं। कैरमल क्रंच आप अपने हिसाब से इसमें थोड़ा सा कम ज़्यादा डाल सकते हैं, जितना आपको पसंद हो उतने हिसाब से डाल दीजिए। जितना अच्छे से डालेंगे उतना अच्छा टेस्ट आएगा इसका। अब हम इसमें एक लेयर जैसी बना देते हैं। इस तरह से मैंने एक लेयर बना दी है इसमें। अब मैं यहाँ पर फिर से कैरमल क्रंच डालूंगी इसमें। अब हम फिर से बैटर डालेंगे। अब हम फिर से इस पर क्रंच डाल देते हैं। मैं यहाँ पर थोड़ा ज्यादा क्रंच डाल रही हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ज्यादा पसंद है ये। अब हम फिर से इसमें थोड़ा सा क्रंच डाल देंगे ऊपर से। तो इस तरह से मैंने सारे क्रंच को डाल दिया है। ये देखिए देखने में कितना बढ़िया लुक आ रहा है, बहुत ही सुंदर लग रही है देखने में फ्रेंड्स। थोड़ा सा मैंने क्रंच बचा लिया है क्योंकि जब हम इसको सर्व करेंगे ना बाद में, जब जम जाएगी उसके बाद थोड़ा सा गार्निशिंग करेंगे इससे हम। अब हम क्या करेंगे, इसका जो ढक्कन है हम डायरेक्ट नहीं लगाएंगे इस तरह से, क्योंकि इसके ऊपर आइस जम जाती है। कितना भी एयर टाइट डब्बा हो तब भी थोड़ी बहुत हवा चली जाती है, उससे इसमें क्रिस्टल जम जाते हैं आइस के, उससे कि ये बिल्कुल फ्लफी नहीं बनती है क्रीमी जैसी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो सिल्वर पेपर को लगाने इस तरह हम सिल्वर पेपर ले लेते हैं। तो सिल्वर पेपर को लगाने के बाद मैंने अच्छे से डब्बे को बिल्कुल टाइट तरीके से बंद कर दिया है। बिल्कुल टाइट बंद करना है, कोई भी एयर इसमें से नहीं जानी चाहिए अंदर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सेट होने के लिए 7 से 8 घंटे के लिए हम इसको फ्रिज में रख देते हैं। 7 से 8 घंटे में ये अच्छे से सेट होके तैयार हो जाएगी। तो अब हम मिलते हैं आपसे 7 से 8 घंटे के बाद। तो आइसक्रीम को रखे हुए 7 से 8 घंटे हो चुके हैं, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। ये देखिए
कितनी बढ़िया आइसक्रीम जमी है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट है, ये देखिए एकदम क्रीमी टेक्सचर में बनी है। अब मैं आपको इसमें से निकाल के दिखा देती हूँ। आप चाहे तो इस तरह का जो स्कूप होता है उसे निकाल रख सकते हैं, या जो नॉर्मल घर में हम चमचा यूज करते हैं ना उससे भी निकाल सकते हैं। दोनों से इजी तरीका है, किसी से भी निकाल दीजिए। तो इस तरह से हम इसको इसमें से निकाल देंगे। ये देखिए कितनी बढ़िया फ्लफी बनी है एकदम आइसक्रीम, आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर। तो इसको हम एक इस तरह के बाउल में सर्व कर लेंगे। ये देखिए कितनी आसानी से निकल गई है, कितनी सुंदर लग रही है ये। तो इस तरह से मैंने यहाँ पर सारी आइसक्रीम को बाउल में सर्व कर लिया है। अब हम जो अभी क्रिस्टल बना क्रंच बना के बचा के रखा है उसको डाल देंगे थोड़ा थोड़ा सा, गार्निशिंग कर देते हैं। आप चाहे तो काजू पिस्ता या फिर टूटी फ्रूटी किसी से भी इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं। देखने में ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस लगती है। या मैंने यहाँ पर थोड़ा सा जो वो होता है ना, तो मैंने यहाँ पर ले लिया है थोड़ा सा चॉकलेट वाला सिरप। ये मैंने पॉलिथीन में डाल दिया था इस तरह से और मैंने इसको बांध दिया है अच्छे से। अब हम हल्का सा इसको कट कर लेते हैं बिल्कुल कोने से ही। देखिए इस तरह से मैंने इसको कट कर लिया है। अब हम इस तरह से इस पर थोड़ा सा कोट कर देते हैं। इस तरह से गार्निशिंग करने से ना बिल्कुल मार्केट जैसा लुक आ रहा है। देखिए बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम मार्केट से खरीद के लाए हैं, बिल्कुल मार्केट जैसा लुक आया है इसका। तो फ्रेंड्स आप भी अपने घर पे एक बार इस तरह से आइसक्रीम जरूर ट्राई करके देखिएगा, सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरी आइसक्रीम कैसी लगी है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। फिर मिलेंगे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।